तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ये चीज यहाँ पर बताना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक भाई का कमेंट है कि सर यहाँ पर हमको ये चीज बताइए जैसा कि जो है कि ट्रांजिस्टर से वोल्टेज रेगुलेटर कैसे बनाए। वैसे तो काफी सारा वीडियो हमने बना करके रखा है, लेकिन वो जानना चाहते किस तरीके से मतलब काम करता है, और दूसरा कि ट्रांजिस्टर जो है कि एम्पलीफायर में किस तरीके से काम करता है। तो वैसे तो एम्पलीफायर का हम यहाँ पर वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन जब बात यहाँ पर ट्रांजिस्टर का आ रहा है तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। जो भाई लोग यहाँ पर नए लोग हैं उनको भी यहाँ पर काफी यहाँ पर जानकारी मिल जाएगा, जो कि समझने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये चीज समझना है दोस्तों कि ट्रांजिस्टर यहाँ पर अलग अलग होता है, उसका जो पिन का जो आउट है, जो पिन आउट होता है, वो भी यहाँ पर अलग अलग होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिया है दोस्तों, ये BC547 हमने ले लिया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका पिन, और यहाँ पर ये दूसरा है दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको लिखा नहीं, यहाँ पर है दोस्तों, ठीक है। ये एक ट्रांजिस्टर का नंबर है, जो कि ये भी यहाँ पर NPN ही है, ये भी NPN है और ये भी NPN है, ठीक है। ये भी यहाँ पर NPN है, ये ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, और ये भी यहाँ पर NPN है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर चेंजेस आप थोड़ा सा देखिए, तभी आप जो है आपको समझ में आएगा। यहाँ पर चेंजेस क्या है देख लीजिए, इसका भी पिन 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ भी 3 है। इसका भी पिन 1 है और यहाँ इसका 2 आ जाता है, ठीक है। इसका यहाँ पिन 1, यहाँ इसका 2 आता है, यहाँ इसका 3 आता है। ऐसा इसका क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ना इसका पिन आउट चेंज है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, ट्रांजिस्टर सिर्फ देखने से, अगर मान लीजिए कि अगर देखने में ट्रांजिस्टर वैसे देखिएगा यहाँ पर ना सामने से, तो आपको ट्रांजिस्टर जो है कि ये दोनों जो है कि सेम देखने के लिए मिलेगा, जो कि चिपटा ऐसा जो होता है छोटा सा BC547, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये दोनों देखने में सेम होता है, लेकिन इसका पिन आउट जो है कि अलग अलग होता है, क्योंकि इसका नंबर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो NPN है, काम इसका ले सकते हैं NPN में, लेकिन इसका नंबर यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्सचेंज भी करना है, यानी कि रिप्लेसमेंट अगर आप करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसी भी चीज में यहाँ पर ट्रांजिस्टर, तो आप इसको कर सकते हैं। बस आपको क्या है, यहाँ पर इसका पिन आउट आपको पता होना चाहिए। और एक तो यहाँ पर काफी ये भी अच्छा एक ट्रांजिस्टर है दोस्तों, जिसका कुछ इस तरीका से, वैसे हम नहीं आपके लिए यहाँ पर सिंपल तरीका यहाँ पर बता रहे हैं, ताकि यहाँ पर आपको दोस्तों समझ में यहाँ पर आ सके। कुछ इस तरीका से मान के यहाँ पर चलिए, और ये इसका एक पिन हो जाता है, एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है। लेकिन इसका भी क्या होता है दोस्तों, इसका भी देखा जाए ना यहाँ पर, ये इमीटर हो जाता है, और ये यहाँ पर इसका कलेक्टर हो जाता है, और ये यहाँ पर जो है कि बेस हो जाता है, ठीक है इसका भी। लेकिन इसका नंबर क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, ये नंबर जो कि काफी पॉपुलर है, आप लोग यहाँ पर जानते होंगे, डी यहाँ पर 882 है, जो कि ये पॉपुलर ट्रांजिस्टर है, लेकिन अच्छा ट्रांजिस्टर है, काम बहुत अच्छा करता है। लेकिन इसका भी देखिए यहाँ पर, ये भी NPN है, ठीक है, ये भी जो है कि NPN है, ये भी NPN है, यहाँ पर सारा NPN है, लेकिन पिन आउट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका इसका देखिए और उसका भी देखिए, यहाँ पर जो कि सबसे जो फर्स्ट नंबर मिलता है, एक नंबर मिलता है, इसका भी वही है और इसका भी यही है, यानी कि बराबर है, ठीक है। देखने में ये आपको इस तरीके से दिखेगा लंबा ऐसा, और ये आपको जो है चिपका टाइप से देखने में दिखेगा। ये तो हो गया इस तरीके का बात। अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि यह काम किस तरीके से करता है। ये सिर्फ हमने इसलिए आपको बनाया दोस्तों, ताकि यहाँ पर आप पहचान सके, ठीक है, पहचानने के लिए हमने जो है कि आपको ये चीज बताया। चलिए इसको हम पहले यहाँ पर सब क्लियर कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर का पहले आपको पहचान होना चाहिए दोस्तों, तभी जो है कि कोई काम आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर जो है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज पहचान के लिए हमने बताया, चलिए इसको यहाँ पर रहने देते हैं। अभी मान लीजिए कि ये मेरे पास एक BC547 है, जो कि NPN है, कोई सा भी हो सकता है, हमने आपको पहले ही बता दिया। अभी आपको यहाँ पर करना क्या है, आपके ही तरीका से यहाँ पर बताएंगे दोस्तों, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाए। मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए कि एक बैटरी है, ठीक है। बैटरी आपको कितना वोल्ट हो सकता है, चलिए मान के चलते हैं यहाँ पर 3.7 वोल्ट का एक बैटरी मान लीजिए, ठीक है, 3.7 वोल्ट का एक मेरे पास बैटरी है। तो अभी जो ये बैटरी है, तो इसके बैटरी का दोस्तों नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो मान लीजिए कि इस साइड में आपको, इस साइड में, ठीक है, ये मान लीजिए आपको इस साइड में नेगेटिव ही मान लीजिए, ठीक है, ये नेगेटिव ही मान लीजिए, और यहाँ पर इसका पॉजिटिव मान लीजिए, ठीक है, ये एक बैटरी है। अभी इसको आपको अगर मतलब रेगुलेटर कराना होगा, तो इसके लिए हमको रेगुलेट कराने के लिए क्या चाहिए, अगर फिक्स कराना है तब तो हम लोग का क्या जरूरत पड़ता है, रजिस्टर का, अगर फिक्स कराना है तो। और वैसे नॉर्मली रेगुलेटर कराना है तो हम लोग का क्या पड़ता है, पोटेंशियोमीटर का हम लोग का यहाँ पर जरूरत पड़ता है, जो कि वो वेरिएबल रजिस्टर उसको बोला जाता है, और ऐसे नॉर्मल रजिस्टर हम लोग को यहाँ पर जरूरत पड़ता है फिक्स कराने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर एक वेरिएबल रजिस्टर आप अगर ले लेते हैं, तो जिस तरीका से हम इसको लोगो बना देते हैं इस तरीका से, ठीक है,
चलिए ये एक हो जाता है, इसका भी पिन कुछ इस तरीका से, तीन पिन इसका भी होता है ठीक है। और इसका अगर नंबर मान के चले दोस्तों, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 10K का आप मान के चलते हैं। चलिए इस तरीका से आपको लिखे ताकि यहाँ पर आपको समझने में आसान हो दोस्तों ठीक है। 10K का मान के चलिए एक वेरिएबल रजिस्टर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को क्या चाहिए, इसके आउटपुट के लिए कोई भी हम लोग एक LED ले सकते हैं, LED ले सकते हैं या और भी कुछ हम लोग ले सकते हैं अगर चाहे तो, जो भी हमको लेना है ले लेंगे। अब इसका क्या है ना कि इसका जैसे कि ये प्लस पॉइंट है, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इसके प्लस जो है कि यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और डालने के बाद जैसे ही यहाँ से ये जो निकल रहा है ना, तो इसके बाद आपको एक यहाँ पर रजिस्टर आपको लगा देना है, और लगाने के बाद जो है कि यहाँ पर बेस में दे देना है। अब ये रजिस्टर का जो वैल्यू होगा ना, वो मान के चलिए कि यहाँ पर 1K का है ठीक है, 1K का रजिस्टर हो गया। और ये तो चला आया डायरेक्ट यहाँ से, यहाँ किस तरीके से चला आया दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ पर इसको बेस के लिए दे रहा है। अब इसका जो यहाँ पर जो ये माइनस पॉइंट है यानी कि नेगेटिव है, ये तो डायरेक्ट यहाँ से उठकर चला जाएगा मीटर वाले पॉइंट पे ठीक है। और यहीं से जो है कि ये जो मैन यहाँ से आ रहा है दोस्तों, ये इस तरीका से ठीक है, ये यहाँ से इस तरीका से निकल जाएगा और ये यहाँ से निकल जाएगा ठीक है, ये इस तरीका से यहाँ पर निकल गया। तो यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे पॉजिटिव निकल गया, यहाँ पे नेगेटिव निकल गया। तो किसके थ्रू निकल रहा है, ये ट्रांजिस्टर के थ्रू। तो यहाँ से जो भी हम इसको वेरी करेंगे यानी कि जो भी इसको घुमाएंगे दोस्तों, ये जो है कि इस तरीका से हमको वोल्टेज हमको इस तरीका से शो करेगा, यानी कि बैटरी है इसका और भी कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं। और ये मान लीजिए अगर ये 3.7 ना हमको इसको दे करके ठीक है, इसको मान लीजिए कि हम यहाँ पर 12 वोल्ट भी हम इसको दे सकते हैं, यहाँ से 12 वोल्ट दिया। अब जो है कि इसको वेरी करके ये देगा, आप यहाँ पे जितना वोल्ट भी ले सकते हैं, आप जो है कि यहाँ पर 7 वोल्ट भी ले सकते हैं, 3 वोल्ट भी ले सकते हैं, 2 वोल्ट भी ले सकते हैं ठीक है। इसको वेरी करके जो है कि आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया, वेरिएबल हमने रजिस्टर लगा दिया। और इसी को दोस्तों अगर यहाँ से हम इसको ना लगा के, इसको नहीं लगा के, इसको डायरेक्ट अगर यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, तो ये जो है कि यहाँ पर फिक्स हो जाएगा ठीक है। वैसे आप देख लीजिएगा कितना वोल्ट पर फिक्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये आकर फिक्स हो जाएगा। तो ये तो एक इस तरीका से होता है कि जो हम लोग यहाँ पर रेगुलेटर में काम लेते हैं ठीक है, ये रेगुलेटर का काम हो गया, जो कि इस तरीका से ये रेगुलेटर में काम होगा। वैसे काफी सारा वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं ठीक है। चलिए इसको हमने यहाँ पर पूरा हटा देते हैं, रेगुलेटर का काम हो गया। अभी मान के चलिए कि ये जो है कि ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर क्या दोस्तों, कोई सा भी ट्रांजिस्टर जो हम लोग का एम्पलीफायर होता है, जो बड़ा बड़ा एम्पलीफायर में चल रहा है, छोटा में चलता है, भले ही ट्रांजिस्टर वहां पे अलग हो, क्योंकि बड़ा वहां पे लगाया जाता है। एक तो यहाँ पे जैसा कि देखा जाए दोस्तों, तो ट्रांजिस्टर यहाँ पे क्या लिया जाता है ना, एक तो लिया जाता है 19 43 ठीक है, और एक लिया जाता है 5200 ठीक है, जो कि काफी मतलब बड़ा बड़ा जो इसमें यूज किया जाता है उसको यहाँ पर यूज किया जाता है। तो अभी क्या होता ना है कि ये ट्रांजिस्टर से यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर इसको काम किया जाता है, जो कि ट्रांजिस्टर का ये जो है काम सेविंग होता है, लेकिन पावर और एम्पियर का यहाँ पर अलग अलग हो जाता है। तो अभी देखें यहाँ पर सारा हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है, ये ट्रांजिस्टर वही है। अभी चलिए यहाँ पर जो है कि इसमें आपको जो क्लियर कर लिया है, क्लियर करने के बाद जो है कि हमको ये बताएंगे कि अब जो है कि यहाँ पर एम्पलीफायर कैसे काम करता है ठीक है। ये सब हमने हटा लिया, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है ताकि यहाँ पर आपको समझ में आए। अब यहाँ पर जो है कि एम्पलीफायर किस तरीके से काम करता है वो चीज समझिएगा। तो यहाँ पर चलिए मान के चलते हैं ये मेरा हो गया बैटरी ठीक है, ये बैटरी हो गया, बैटरी भी एग्जाम्पल मानते हैं हम, 3.7 वोल्ट ही मान के चलते हैं ठीक है। ये बैटरी हो गया, ये इसका पॉजिटिव हो गया और ये इसका नेगेटिव हो गया ठीक है। और यहाँ पर मान के चलिए दोस्तों कि ये आपका हो गया, इसको चलिए आपको मान लेना है स्पीकर ठीक है, ये स्पीकर हो गया। और अभी यहाँ पर मान के चलिए एक हम ऑक्स बना देते हैं, कुछ इस तरीका से हम बना लेते हैं ठीक है, कुछ इस तरीका से चलिए हमने बना लिया। ये मान लीजिए ऑक्स हो गया, जो हम लोग यहाँ से इनपुट कराते हैं मोबाइल के थ्रू ठीक है, मोबाइल के थ्रू जो हम लोग यहाँ पर इनपुट कराते हैं, ये मान के चलिए वही चीज है। ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया, ये बैटरी हो गया, ये आपका स्पीकर हो गया। तो अभी जो यहाँ से जो ये चल रहा है दोस्तों, जैसे ये देखिए, ये इसका जो प्लस पॉइंट यहाँ से चलेगा, ये डायरेक्ट यहाँ पर जा रहा है ठीक है। और इसका जो ये माइनस यहाँ से जो निकला यानी कि नेगेटिव,
ये डायरेक्ट कहाँ गया, इसका ऑक्स में चला गया। अब ये ऑक्स से जो यहाँ से जो निकल रहा है दोस्तों, ये जो इसका ऑक्स से निकल रहा है यहाँ पर, तो ये चला जाता है इस तरीका से होते हुए, ठीक है, ये इस तरीका से होते हुए आपको जाता है, ठीक है ना, ये यहाँ से जाएगा इस तरीका से। अब ये इस तरीका से यहाँ पर डायरेक्ट जो है कि यहाँ पर नहीं जाएगा। अभी जैसे कि यहाँ पर आप देखिएगा इस वाला पॉइंट में जो है ना कि आपको एक रजिस्टर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको रजिस्टर देखने के लिए मिलेगा, और इस वाले पॉइंट में आपको एक आपको क्या देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर एक आपको कैपेसिटर देखने के लिए मिलेगा। अब ये जो है कि आपस में अटैच हो गया, ये क्या था यहाँ पर, ये बेस था, और यहाँ पर ये क्या है, ये कलेक्टर है दोस्तों, ठीक है, ये कलेक्टर यहाँ पे अटैच रहेगा, ये इसका कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये इसका इमीटर हो गया। तो इमीटर जो है कि अभी बिल्कुल भी अलग है, यहाँ पर अटैच नहीं है, तो इमीटर को जो यहाँ पर आपको अटैच कर देना है, ठीक है, ये इमीटर यहाँ पर अटैच हो गया। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ से ये जो बैटरी है, ठीक है, बैटरी का जो प्लस है ये वाला, चलिए स्पीकर है, ठीक है, इसका ये प्लस है, ये इसका माइनस है, ठीक है, तो ये इसका जो प्लस पॉइंट है दोस्तों वो चला गया यहाँ डायरेक्ट स्पीकर पर, और स्पीकर से जो यहाँ पर माइनस पॉइंट निकल रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पर आ गया है यहाँ रजिस्टर पर, और यही माइनस यहाँ पर कलेक्टर पे आ गया है। जैसा कि यहाँ से जैसे ही माइनस यहाँ पर निकल रहा है दोस्तों, तो ये ऑक्स के थ्रू जाते हुए यहाँ से जो है कि इसमें चल गया है, और यहाँ से जो है कि इसको आउटपुट कर रहा है। अब इसको सिग्नल यहाँ पर कहाँ से मिल रहा है, तो सिग्नल यहाँ से मिल रहा है, ये देख सकते हैं, जो ये ऑक्स का जो है यहाँ पर, ऑक्स या ब्लूटूथ कोई सा भी हो सकता है। और अगर इसका रेजिस्टेंस का बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10K, यहाँ पर ये मान के चलिए, और इसका यहाँ पर बात करें तो ये मान के चलिए 100 UF को मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर देखिए ये जो है कि कैपेसिटर से होते हुए जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ पर होना बहुत ही जरूरी है, तभी जो है कि ये पास करेगा यहाँ पर अच्छे तरीका से। तो कैपेसिटर से जो है कि ये बेस पे इसको सिग्नल मिलता है, बेस पे जैसे ही यहाँ पर सिग्नल मिलता है, ये जो है कि यहाँ पर इसको ट्रांसफर कर देता है, जैसे ये ट्रांसफर करेगा दोस्तों, तो ये जो है कि यहाँ पर सीधा स्पीकर में जाएगा, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर इतने ही कंपोनेंट में जो है कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, ये सिर्फ आपको जो है कि हम यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं इस तरीका से काम करता है। यानी कि ट्रांजिस्टर का काम क्या है कि वोल्टेज को यहाँ पर बढ़ा देना, ठीक है, ट्रांजिस्टर का यहाँ पर सीधा सा आपको यहाँ पर बात बता रहे हैं कि ट्रांजिस्टर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ा देना, यानी कि कम वोल्टेज। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से तो मान लीजिए हमको 3.7 वोल्ट यहाँ से हमको मिल गया, लेकिन यहाँ से हमको जो है ना कम वोल्ट मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं जो कि एयरफोन हम लोग का होता है, या फिर कोई भी आउट जो करता है, या मोबाइल से मान के चलिए या ब्लूटूथ से मान के चलिए, जो आउट करता है वो काफी कम वोल्टेज जो है आपको आउटपुट करता है। तो यहाँ से क्या है ना कि यहाँ पर आते के साथ इसका बेस जैसे ही मिलता है, तो ये जो है कि यहाँ से बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पर पहले ही इसको पॉजिटिव मिल रहा है। इसको जरूरत क्या है दोस्तों, नेगेटिव का, तो नेगेटिव तो यहाँ आ रहा है, लेकिन नेगेटिव में कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। अगर इसको सिग्नल मिल जाए, यानी कि इसका पॉजिटिव डायरेक्ट उठा करके यहाँ दे दे दोस्तों, तो वो डायरेक्ट ही पास कर देगा। लेकिन यहाँ पर किससे सिग्नल मिल रहा है, इसके थ्रू यहाँ पर इसको सिग्नल मिल रहा है, तो ये जब भी पास करेगा तो इसका सिग्नल को पास करेगा, यानी कि इसमें जो भी ऑडियो आएगा वो यहाँ पर जो है कि पास कर देगा। तो इस तरीका से जो है कि यहाँ पर कोई भी एम्पलीफायर इसी तरीका से यहाँ पर काम करता है ट्रांजिस्टर के थ्रू। तो चलिए छोटा सा जानकारी था, जो भाई का कमेंट था वो हमने यहाँ पर बताया। चलिए बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, और जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीके का वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।